लॉकडाउन के दौरान रामलला के भक्तों ने खूब किया दान, खाते में ऑनलाइन भेजे 4.60 करोड़ रुपए। श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने से संत समाज में उल्लास है। इन सभी ने एक स्वर में कहा कि इतनी बहुमूल्य सामग्री मिलने से साबित हो गया कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर था। मंदिरों के इस शहर को उजाड़ा गया और देश की शीर्ष कोर्ट में सुनाई के बाद साबित हो ही गया कि यहाँ मंदिर था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। राम जन्मभूमि क्षेत्र में मूर्तियां मिलने के बाद अयोध्या के संतों की प्रतिक्रिया आने लगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि यहां पर पौराणिक काम की दर्जनों खंडित मूर्तियों के साथ ही करीब 5 फुट ऊंचा शिवलिंग मिलने से तय हो गया कि यहां कई मंदिर थे। यहां पर तमाम नक्काशीदार मूर्तियां मिलने के साथ ही विशाल चक्र भी मिले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और एक बड़ा शिवलिंग मिला है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि संतलीकरण के दौरान काफी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम आदि कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर और 5 फीट आकार की नक्काशीदार शिवलिंग की आकृति मिली है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अब तो तय हो गया कि अयोध्या में सनातन धर्म का बोलबाला था। यहाँ पर खुदाई के दौरान AASI को पौराणिक वस्तुएं मिली थी और आज भी यहाँ पर कुआं, खंबे तथा कसौटी मिल रहे हैं। राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अमूल्य धरोहर बताया है। इन धरोहरों को संजोकर रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा। इसी दौरान कोरोना संकट के बीच भी राम भक्त अपने आराध्या के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आतुर है। यही वजह है कि लॉकडाउन में भी राम भक्तों का हौसला कम नहीं हुआ और ना ही वह मंदिर निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति डालना भूले। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से अब तक रामलला को 4.60 करोड़ रुपए दान स्वरूप मिल चुका है। यह धनराशि राम मंदिर निर्माण के गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 अलग-अलग खातों में जमा हुई है। ये खाते अयोध्या के भारतीय स्टेट बैंक में है। राम नवमी पर वैकल्पिक गर्भगृह में प्रतीकात्मक उत्सव मनाने के साथ ट्रस्ट के सदस्यों ने दान के लिए नेट बैंकिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद इस खाते में लोगों ने ई बैंकिंग के जरिए दान देना शुरू किया। मात्र चंद दिन में ही लाखों रुपए जमा हो गए थे। अधिकतर राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए दी जाने वाली रकम ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। अब तक देश के कोने कोने से तकरीबन 5,000 लोगों ने ट्रस्ट के खाते में पैसा स्थानांतरित किया है। बैंक सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट ने 2 खाते खुलवाए थे, एक में तकरीबन 2.5 करोड़ और दूसरे में 2 करोड़ के करीब धनराशि दान स्वरूप जमा हुई है। हालांकि राम भक्त अभी मंदिर निर्माण के लिए जिस गति से बैंक खाते में धनराशि जमा हो रही है उसे धीमा मानते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे कोरोना का संकट कम होता जाएगा वैसे वैसे ट्रस्ट के खाते में दान की राशि बढ़ती जाएगी। खुदाई में मिली मूर्तियां और शिवलिंग मिलने पर अयोध्या के संत समाज ने खुशी व्यक्त करते हुए यह माना है कि जो अवशेष समतलीकरण के दौरान मिले हैं वह राम जन्मभूमि के ही है जिसे आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। संतों ने कहा कि यह बहुत ही बढ़िया काम है, इसे और भी पहले शुरू होना चाहिए था,
लेकिन कोरोना वायरस वजह से काम में देरी हुई है। संतों ने माना है कि जमीन समतलीकरण में मिले पुरातत्व अवशेष में प्राचीन आमलक मंदिर के चौखट, प्राचीन शिवलिंग, यह सब निश्चित ही हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। अब शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।